और आपका आज की वीडियो में स्वागत है। आज जो वीडियो हम लेकर आए हैं उसका टाइटल है लफ्टर राइट विद टीम बेल बॉटम अनसेंसर्ड द कपिल शर्मा शो अक्षय वानी उमा जैकी। वेल देख लेते हैं वीडियो, लेकिन इससे पहले इस वीडियो के चैनल का विजुअल लिंक आपको मेरी वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें इनके चैनल को। उसके अलावा व्लॉगिंग चैनल का लिंक और इंस्टाग्राम का लिंक भी हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। वैसे ये नया सेट है पूरा। हाँ जी, हाँ जी भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 10 स्टार स्पेशल जनरल स्टोर होटल चिल पैलेस। अब वो तू नाम नहीं लिखता। हाँ जी, वो नाम नहीं लिखता, वो नाम नहीं लिखा। वैसे अच्छा बना है ना, ग्राफिक में आएगा। हाँ, इधर मांगता है मेरे को बनाने वाली टेक्निक कि आगे की लाइटें बंद ही कर दो, कौन सी हमारे ऊपर आ रही है। आप इतनी दूर क्यों बैठ गई आज? ऊपर बैठ गई चढ़ के, ऐसी महारानी बन गए जैसे सारा पैसा ही निकल लगा है। कहां से लाता है ये सब? कहां से लाता है ये सब? मगरमच्छ वाली बात पता नहीं आपको? नहीं, ये नहीं पता। मठ से आती ना। हाँ, आप वैसे आए तो ट्रैफिक बड़ा है, तो इन्होंने 2 मगरमच्छ पाले हुए हैं खुद के। क्या नाम है उनका? चंगू मंगू। ये क्या करती? 3 है 3। हाँ, एक पे बैठती है मगरमच्छ पे, कपिल है। खड़े होती हैं और 2 मगरमच्छों की पूंछ पकड़ती हैं और मड में घुस के फिर ऐसे चलाती हैं। वो कसम से मर्सिडीज से तेज आती है। है नहीं, सीरियसली ये अभी अमेरिका गई थी, वहां से करवा के आई कटिंग। अमेरिका से आई हूँ थोड़ी दिन पहले, काफी टाइम पहले। वेरी नाइस, लुकिंग वेरी नाइस, ब्यूटीफुल। थैंक यू, गिव अ बिग हैंड। क्या आपने गिव हिम अ बिग हैंड? है? आपने क्या बोला? गिव हिम अ बिग हैंड, गिव हर अ बिग हैंड। अच्छा, तू शुरू हो गया। पहला ही एपिसोड, पहला नहीं है, दूसरा है। हाँ, दूसरा। एक्चुअली कंफ्यूजन बढ़ी है ना हमें। वैसे ना पाजी की एक बात मुझे बड़ी अच्छी लगती है, हर जब भी आते हैं ना कभी किसी शो में या प्रमोशन में, अपने दोस्तों को जरूर साथ में लाते हैं। ये इसकी खास वजह है पाजी कोई? अरे मैं तो उनको वापस ले जाता हूँ, ये तो हाला आप उनको वापस भी नहीं ले जाता, अपने दोस्तों को यही रख जाता है। वो देखो वो चंदन कहाँ है, वो दिनेश वो बैठा हुआ उधर। मुझे लगता है कोई लाइट में भी होगा पीछे, लाइटें वाइटें भी संभाल रहा होगा, कोई ना कोई जरूर होगा वहाँ। राजू छुप जाओ। अबे वापस कब लेके जाएगा इनको? वो घर वाले नहीं ले रहे वापस इनको। भूल लगा के तो ऐसे बैठे जैसे सबने MBA की है। इतनी जल्दी जल्दी फिल्में करते, कभी कभी इनको टाइटल रखने का भी टाइम नहीं मिलता। जैसे बेल बॉटम, अरे बेल बॉटम वैसे क्यों रखा आपने टाइटल? बेल बॉटम इसलिए टाइटल रखा है क्योंकि इसका कोड नेम, जो कैरेक्टर जो मैं प्ले कर रहा हूँ, ये असली कहानी है। ही वॉज अ रॉ एजेंट हु वॉज कॉल्ड बेल बॉटम। ओके, ऐसे नहीं कि मतलब फिरंगी, ये क्या टाइटल हुआ? किसी को पता भी नहीं, आप फालतू में याद दिला रहे हो। याद दिला रहे हो। वो खाली सोनी पे चलती है, वो भी मेरे रिलेशन है तो वो चला देते हैं। तेरे पास टैलेंट है या तेरे पास कोई सोनी का कोई ऐसा वैसा वीडियो है? कुछ तो होगा तेरा। नहीं, सोनी साहब बड़े शरीफ आदमी है। और मैं आप लोगों को बताता हूँ, ये मैंने एक लिस्ट निकाली है कि इसने कई लोगों ने ना मेरे ट्विटर पे इसके बारे में लिखा है। अंकित कुमार जी कहते हैं, अक्षय सर जी बिल्कुल खबर लेना, कपिल बाजी का बिजनेस आप क्या, कपिल बाजी का बिजनेस हड़प लो। ये है। फिर ADF नेपाल से कोई कहता है, हाँ हाँ कपिल तो चालू चीज है। ये देखते बैडमैन जो है कहता है, दांत तोड़ देना कपिल शर्मा के। सोनू कहता है, कपिल शर्मा बहुत ही बकचोद आदमी है। ये तो सारे तेरे सर जी का सामने लिखा हुआ है। इनकी टीम ने बनाया हुआ है ट्विटर हैंडल। मैं दिखा दूं तेरे को। शुभम सक्सेना कहते हैं, सक्सेना कहते हैं, अच्छे से खबर लेना भैया। क्या पढ़ियो बताओ, मैं कुछ इंतजाम करूं? बताओ तो मैं कुछ इंतजाम करूं। अखिल तिवारी कहते हैं, बड़ा शत्रुघ्न सक्सेना है। नहीं सॉरी, वो तो सेना है। अखिल तिवारी कहता है, मारो इसको बाजी। प्रभाकर मिश्रा कहता है, कपिल शर्मा बहुत चतुर खोपड़ी है। अच्छी बात है, मतलब ऐसा नहीं है, इसकी मतलब कमाल की फैन फॉलोइंग है जिस हिसाब से है, मतलब बहुत अच्छा कर। तू उधर क्यों जाता है, बीच में क्यों नहीं आता है शो के? ये लाइन अच्छी बोल रहे थे, आप रिपीट करो ना थोड़ी सी। कौन सी वाली? फैन फॉलोइंग वाली। फैन फॉलोइंग बहुत अच्छी फैन फॉलोइंग है इसकी, और सभी जानते हैं, सब जानते हैं कि नहीं?
क्या कपिल शर्मा फेमस है? बहुत फेमस है। क्या इसको और शोज करने चाहिए? क्या ये चतुर आदमी है? चलो वैसे ये फिल्म आपने स्कॉटलैंड में शूट की है ना? जी बिल्कुल। उधर प्रॉपर्टी के रेट वगैरह क्या चल रहे, पता किया होगा आपने? एक दो प्लॉट तो लिए होंगे। विला नंबर 189 एमबी वैली लेक के पास जो प्रॉपर्टी है उसका पता, दूसरों की प्रॉपर्टी पे इसकी नजर रहती है, खुद खाई जा रहा है, खाई जा रहा है। रेंट पे थे पाजी, वो रेंट पे तू लेने गया था लेकिन अब तू खरीदने के चक्कर में है। सच बता, ये ना घर का बेदी है कोई, ये इतनी अंदर की इन्फॉर्मेशन किसी के पास नहीं हो सकती। वो है नहीं, मेरे को डॉक्टर ने कहा स्विमिंग किया करो, बैक इंजरी है। तो यहाँ पे नहीं जाकर स्विमिंग करेगा तू? कहाँ करूँ, आपके घर आ जाऊँ? क्यों नहीं स्विमिंग करता मैं मगरमच्छ हूँ? सबसे पहले तो इस आदमी को बताओ, समुद्र में मगरमच्छ नहीं होते। किधर होते हैं? नदियों में, तालाब में होते हैं। आपको तो पता, आपके तो हैं तीन। जैसे मैं यहाँ पे बैठूंगा मैचिंग करके आया, देखो वाणी अक्षय पाजी के साथ कल मैच हो रहा है हमारा, इधर वो मैच हो रहा है। आप अपने दोनों बात करो। की थी ना पहले से, सेटिंग करी थी ना फोन पर। इधर ऑरेंज, ऑफ कोर्स जब मैंने बधाई दी तीसरे बच्चे की तो मैंने तब कॉल किया था ना। तीसरा बच्चा कब किसके हुआ? होने वाला है। ये देश में ऐसा ही है, मेहनत करने वाले की ना कॉम्प्लीमेंट्री देंगे। मेहनत वैसे कमाल है, इसकी मेहनत में क्या था बताओ? इसके आना कैन आई प्लेस दीज ड्राई फ्रूट्स इन फ्रंट? चॉकलेट्स भी है, थैंक्स। आर दीज फ्री? मुझे लाउडली, मैं नहीं खा सकता, आप खा सकते। मेरी बात मानो, अब भी खा लो क्योंकि नया नया शो है ना ये, आजकल नहीं आया। जब अगली बार आओगे तो ये पुराना वाला ही रहेगा। वो वाणी है ना, वो अक्षय पाजी की वाइफ बनी है इस फिल्म में। कैसे पाजी, आप तो कहते थे मुझे स्पाइसी चीजें सूट नहीं करती। पर मैं तो स्वीट हूं। हां वही तो मैं कह रहा हूं, ये तो मीठी है। बड़ी अंडरस्टैंडिंग है आपकी। कपिल ग्रेप सासा हैं, अंगूर खट्टे इंग्लिश में बोल रही है, पंजाबी में बोल रही है अंगूर खट्टे ने। मैचिंग इनकी भी वो है ऑरेंज वाली। आई एम अ वेरी गुड बॉय। आई हैव ब्लैक हाफ ऑरेंज, दोनों को इंप्रेस। नहीं मैं सिर्फ बता दो प्रमोशन। अरे उसका प्रश्न है, उसका जवाब दो। अरे की बेचारा वो जवाब देने की कोशिश कर रहा है। देखो यही होता है, सॉरी हमने गलत किया, हम दो लड़के इकट्ठी बिठा दी, आपको बीच में बैठना चाहिए था। एक और केला दे यार। कम से कम केला तो अच्छा रख लिया कर। बात करें तो भाई हंस हंस के हम दोनों लौटपोट हो गए। वैसे अक्षय कुमार सर की बात करें, वो पहले भी इसे, हमने इसे पहले एक भी प्रोग्राम उनका देखा था कपिल शर्मा के साथ, लेकिन तब भी हम हंस हंस के पागल हो गए थे। अक्षय कुमार सर के शो में, मतलब जब वो आते हैं कपिल शर्मा शो के शो में आते हैं, तो मुझे एक बात बड़ी अच्छी लगती है कि अक्षय कुमार सर ना बड़ी टांग खींचते, बड़ी मजे से खींचते हैं। अच्छा, वो टांग भी इस तरह खींचते हैं कि अगला बंदा बुरा मना भी ना सके, यानी कि बुरा, हाँ बुरा मनाना भी हो ना तो ना मना सके, इस तरह टांग खींचते हैं। अंदर की जो बड़ी पर्सनल बातें होती है ना उन पे टांग खींचते। बट उनकी एक चीज बड़ी अच्छी लगती है और वो ये कि वो अर्चना जी को ना मतलब बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं। हाँ रिस्पेक्ट, मतलब अगर कोई मजाक उनका बना भी रहा है ना तो थोड़ा बैलेंस बना देते हैं, तो ये चीज मुझे बड़ी अच्छी। वैसे अर्चना जी के साथ इनकी मूवी भी आई थी ना दे धना धन, जिसमें क्यों पैसा पैसा करती है, क्यों पैसे पे तू मरती है, उसमें कैटरीना कैफ भी थी। याद है मुझे अर्चना जी नहीं इसमें याद, बट ये मैं बात करना चाहूंगी कि वाकई में बहुत मजा आता है जब आप इस तरह के शोज देखते हैं, क्योंकि कुछ देर के लिए ना आप अपनी परेशानियां साइड पे करके तो थोड़ी सी अभी थेरेपी हो जाती है हकीकत वाली, तो आप इंजॉय करते हो उन लम्हों को। अच्छा वैसे मैं कपिल जी की बात करूँ ना, तो वैसे मैंने देखा है कि जब वो एक दफा चंकी पांडे सर भी आए थे, ठीक है, फिर वो तब भी जो है ना वो जरा कम एंटरटेन करते, दूसरे जो होते ना जो आते हैं वो ज्यादा एंटरटेन करते हैं। चंकी पांडे जी की भी सब बहुत ज्यादा किट लगाते हैं जहां तक मैंने देखा है, लेकिन ये कि बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो कि कपिल शर्मा, मैं पूरा नाम क्यों बोल रही हूं, मैं मतलब सिर्फ कपिल
कपिल क्यों नहीं बोलते, कपिल जी जो कपिल जी को मैं कहती हूँ हैंडल कर पाते हैं, हाँ। उनको आंसर दे पाते हैं उस तरीके से कि वो चुप हो जाते हैं कि आगे से जवाब नहीं दे। वैसे वाकई कपिल जी की अगर सेंस ऑफ उमर की बात करें वाकई बहुत अच्छा है, जिस तरह वो एक अगला बंदा सवाल करते आगे से फौरन जवाब दे देते हैं ना, ये वाकई बहुत कम लोगों को चीज आती है कि राइट टाइम पर जो है राइट आंसर करना। वैसे अक्षय कुमार सर की बात करें ना तो एक्सीलेंट, मैं कहूंगी कि जो विटी आंसर है ना वो बहुत कम लोग देते हैं। वैसे मुझे ना इस चीज में भारती जी भी बहुत अच्छी लगती है, वो भी बड़े मजे के आंसर देती है। वैसे कॉमेडियन जितने भी देखे ना हम, वो सारे जो है ना ऑन स्पॉट बहुत अच्छे जवाब देते हैं कि अगला बंदा जो है वो हंस हंस के पागल हो जाए कि भाई ये बंदा जो है ना इसने ऐसा जवाब दे दिया कि आप जो है ना सोचो इसे बात करनी कि नहीं करनी। अच्छा वैसे और मैं वाणी की यहाँ पर बात करना चाहूंगी, मुझे वैसे वो काफी हॉट लगती हैं और मतलब लेकिन ये कि दोनों लड़कियां और एक लड़का बैठा हुआ, तो वैसे मैं ये चीज नोट कर रही थी कि फिर लड़कियां वाकई में बोलने नहीं देती। अच्छा वैसे ये सीन होता है अगर दो लड़कियां और एक लड़का अगर साइड में बैठा हो तो वाकई नहीं बोलने देती, और अगर बीच में बैठा हो ना फिर तो बेचारा लड़का कहता है बस वो लड़का जो है ना वो फिर मतलब, बट मौसम देखो इसमें भी ना मैं तुम्हें बताती हूँ, आप अभी देखो जो जैकी है ना ठीक है ना, उनमें और अगर अक्षय कुमार सर दोनों के मतलब एक आपने एक प्रोफेशनल टाइम लगाया ना तो वो नजर आता है ठीक है। लेकिन लेकिन अगर देखे ना वाणी जी और हुमा जी की भी बात करें तो वो इतनी ज्यादा पुरानी नहीं है, लेकिन लेकिन फिर भी वैसे वो दो लड़कियां मिल गई ना वैसे भी बहुत बोलती है, तो बट मुझे ऐसा लगता है कि अभी देखो जैसे अगर यही सेम चीज वो अक्षय कुमार सर के साथ करती ना तो आई एम श्योर कि वो बड़े अच्छे से बिल्कुल सही बात है। और यहाँ पे मैं खैर जितने भी एक्ट्रेस हैं बहुत अच्छे हैं, लेकिन इस टाइम मैं तारीफ करना चाहूंगा हुमा जी की, उनकी मैं लास्ट एक वेब सीरीज देखी थी महारानी, मैं कहता हूँ मैं तो उनका फैन हो गया हूँ वेब सीरीज देख के। लेकिन बस अब ज्यादा मैं एक और बात बोलना चाहूंगी कि जो एक्सपीरियंस होता है ना उसका भी एक रिस्पेक्ट होती है, और उसकी एक हम कहेंगे कि आप ना उनके साथ थोड़ा बात करते हो ना थोड़ा सा यू नो हेजिटेट होते हैं, ये नॉर्मल रूटीन लाइफ में भी अगर हम बात करें तो हम सबके साथ आई थिंक ऐसा ये किसी भी फील्ड में होता है, यानी कि जिस फील्ड में आपको एक्सपीरियंस नहीं है ना वहां पे आप उस फील्ड के बंदे से मिलेंगे और अगर थोड़ा बहुत है भी है तो आप हेजिटेट होंगे बात करते हुए, क्योंकि आप अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक बात करेंगे अगला बंदा अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक बात कर रहा होगा। एनीवे गाइस आप जरूर बताइएगा कि आप में से किस किस को ऐसे शोज देखकर यू नो थोड़ी देर के लिए टेंशन जो है वो रिलीफ होती है, वैसे मेरी भी होती है। वैसे बहुत सारे हमारे फ्रेंड्स हम लोगों को भी ये लिखते हैं कि भाई हमारी वीडियोस देखकर या हमारे व्लॉग्स देखकर उन लोगों की टेंशन काफी दूर तक काफी हद तक खत्म होती है, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे बड़ा अच्छा लगता है सीरियसली ऐसे जब हम लोग सुनते हैं, चलो किसी के लिए तो हम लोग खुशी का बायस सही बात है। एनीवे गाइस जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में, और इसी के साथ ही मिला वीडियो, लाइक सब्सक्राइब शेयर प्रेयर्स गुड बाय।